नमस्कार, मैं प्रतिभा चौहान हमारे YouTube चैनल टारगेट फॉर आईटी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आर्टिकल 19 की एक धमाकेदार ट्रिक। ठीक है, आर्टिकल 19 क्या बात करता है, उसमें बहुत सी तरह की फ्रीडम दी गई है और उन फ्रीडम में जो क्लॉज है आर्टिकल 19 का 1 जो है उसमें ए बी सी डी करके ऐसे जी तक दी गई है, ए टू जी। एफ जो है उसमें ओमिटेड हो गया है, बट कई बार क्वेश्चन में आपके इस तरह से क्वेश्चन आता है पेपर में कि आर्टिकल 19(1) ए में कौन सी है या फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन से आर्टिकल में है, जी वाले में कौन सी है, तो आपको ये सीक्वेंस याद नहीं हो पाती है। कुछ बच्चों को याद है ओके, लेकिन हम बात करेंगे अगर इनको सीक्वेंस में याद करना हो तो क्या इसका कोई इजी फॉर्मूला है। यस, आज हम उस वीडियो को लेकर आए हैं आपके सामने ताकि आप उस ट्रिक को, मुझे उम्मीद है ये ट्रिक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी और इसको देखने के बाद अगर आपने एक दो बार प्रैक्टिस कर ली तो आपका सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो उसके लिए चलते हैं हम बोर्ड पे और देखते हैं आज की हमारी ये ट्रिक। तो चलिए देख लेते हैं हम हमारी ट्रिक क्या है, आर्टिकल 19 के सारे क्लॉजेस को समझेगी। तो सबसे पहले हम ये क्लॉज देखते हैं, पहला क्या कहता है, राइट टू ऑल सिटीजन शैल हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। उसके बाद बात करता है असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स की बात करता है और सी नंबर में बात करता है फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस की। नेक्स्ट बात करता है मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लास्ट में बात करता है प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन टू कैरी एनी बिजनेस। ठीक है, अब हम इसको समझ तो लिया लेकिन इसको याद कैसे करें, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, आप इधर देख सकते हैं। ये ट्रिक है आपकी साफ एम आर पी, एस ए एफ साफ एम आर पी, साफ एम आर पी। जैसे हम कोई सामान लेने जाते हैं तो देखते हैं ना, सामान लेने जाते हैं तो उसमें एमआरपी सब चेक करते हैं ऐसे ऐसे पलट पलट के, चाहे दिखाई नहीं दे काफी मुद्दत के बाद कि कहाँ लिखी है एमआरपी, फिर भी उसको दुकान वाले के सामने ऐसे ऐसे पलटते हम जरूर हैं। तो हम कहते हैं भैया दिखाई नहीं दे रही, साफ साफ एमआरपी हमें दिखाई नहीं दे रही। तो देखते हैं ये कैसे रिलेट करती है आपकी साफ एमआरपी। एस ऐसे है स्पीच, इसीलिए मैंने रेड रेड से जो किया है आप इन पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे है स्पीच, स्पीच पूरे 6 में से कहीं भी नहीं आ रहा है, तो क्या बन गया हमारा एस से स्पीच। दूसरा है ए, ए से है असेंबल, ठीक है असेंबल पीसफुली। उसके बाद एफ से आता है फॉर्म एसोसिएशन, फॉर्म बनाना, ठीक है यूनियन और एसोसिएशन आप बना सकते हो। उसके बाद आता है एम, एम से क्या है मूव, मूव फ्रीली। और लास्ट में आता है एम, सॉरी आर, आर से है रिजाइड एंड सेटल, रिजाइड। तो ये होते हैं कुछ कीवर्ड्स, इन्हें आपको कैच करना है आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में, और अगर आपने इन वर्ड्स को फाइंड आउट कर लिया तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। लास्ट हम देखते हैं पी, पी से क्या है प्रैक्टिस, आप याद रख सकते हैं प्रोफेशन, पी फॉर प्रोफेशन भी है। तो हमारी क्या ट्रिक बन गई, साफ एम आर पी। एक बार मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ, एस स्पीच, ए असेंबल, एफ फॉर्म, एम मूव, आर रिसाइड और पी प्रैक्टिस और प्रोफेशन। तो हो गया साफ एम आर पी, एस ए एफ साफ एम आर पी, साफ एम आर पी। तो कैसी लगी दोस्तों आज आपको ये हमारी ट्रिक, और इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, एफ नंबर का जो था वो ओमिटेड हो गया, उसमें प्रॉपर्टी की बात थी, वो था 44th अमेंडमेंट। ठीक है, इसके बाद 300A आर्टिकल में चला गया और ये यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बनते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक हमारी अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नमस्कार।